उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बेहद ही रू कपा देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक स्कूली बच्ची लिफ्ट में फंस गई। करीब 20 मिनट तक मासूम लिफ्ट में अटकी रही। वह कभी लिफ्ट में लगे कैमरे की तरफ हाथ जोड़कर खुद को बचाने की गुहार लगाती तो कभी अपने पैर से लिफ्ट पर किक मारती। जब बच्ची का रेस्क्यू किया गया तब वह पसीने में नहाई हुई थी और बेहद ज्यादा घबराई हुई थी। दरअसल घटना लखनऊ के थाना गुंडवा के जनरेश्वर अपार्टमेंट की है। जनरेश्वर एनक्लेव के 11वें फ्लोर पर एक फ्लैट नंबर में आशीष अवस्थी का परिवार रहता है। आशीष अवस्थी कोचिंग पढ़ाते हैं और उनकी 8 साल की एक बेटी बुधवार को हर रोज की तरह स्कूल से वापस अपने घर आ रही थी। अपने फ्लोर पर जाने के लिए वह लिफ्ट में चढ़ी मगर कुछ सेकंड के बाद अचानक लिफ्ट बंद हो गई और बीच में अटक गई, जिसके बाद बच्ची मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। लिफ्ट में कैमरा लगा हुआ है जिसमें नजर आ रहा है कि बच्ची बुरी तरह से घबराई हुई है। वह लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुल रहा है। बच्ची कैमरे के सामने हाथ जोड़ती है और खुद को बाहर निकलने की गुहार लगाती है। वह पसीने से भीग चुकी होती है। बच्ची लिफ्ट की दीवारों पर जोर जोर से किक मारती है, कभी चिल्लाती है तो कभी कूदती है। यह सब 20 मिनट तक चलता रहा मगर बच्ची बाहर नहीं निकल पाई। करीब 20 मिनट के बाद लिफ्ट काम चलता शुरू होती है। बच्ची लिफ्ट के जरिए अपार्टमेंट के बेसमेंट तक पहुंची है, तब कहीं जाकर उसका रेस्क्यू किया जाता है। अपार्टमेंट में रहने वाले एक शख्स अजय सिंह ने बताया कि 5 मिनट में कई बार लाइट चली गई थी जिसकी वजह से लिफ्ट अटक गई और बच्ची उसमें फंस गई। वह घबरा गई थी। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों का कहना है कि लिफ्ट का सही से मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। मेंटेनेंस टीम की लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं हर रोज देखने के लिए मिल रही हैं।